हेलो फ्रेंड्स, आज संडे है और लास्ट संडे को मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैंने अल्टरनेटिव पुली अपना चेंज कराया था, और अल्टरनेटिव पुली चेंज कराने के बाद मेरा माइलेज बहुत कम दिखा रहा था। तो अभी भी लगभग 100-120 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, बट अभी माइलेज का अभी लगभग माइलेज इतनी पहुंच गई है जो इस पे दिखा रहा है 12 पॉइंट, जो कि पहले 13.5 के आसपास दिखा रहा था, तो लगभग नियर अबाउट पहुंच गया है। तो वो तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी, बट अभी एक ये प्रॉब्लम आ रही है कि अल्टरनेटिव पुली चेंज कराने के बाद मेरी गाड़ी में बाहर इंजन का नॉइज़ काफ़ी बढ़ गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और जब मैंने पहले वहाँ पे लेके आ रहा, तो पहले तो इसका माइलेज डाउन हो गया था, उसके बाद मैं चला के ले गया तो उस समय फील नहीं हुआ मुझे इमिडिएट, लेकिन आज मैं गाड़ी चलाया लगभग 150-160 किलोमीटर के आसपास चलाया है मैंने गाड़ी, तो मुझे फील हो रहा है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है अंदर। ये अल्टरनेटिव पुली चेंज कराने के कारण है या किसी और कारण से या बरसात के कारण से नहीं क्लियर फील हो रहा है, लेकिन यह है कि अल्टरनेटिव पुली चेंज कराने के बाद आवाज़ जो है अंदर बढ़ गई है काफ़ी, इंजन नॉइज़ जो केबिन के अंदर आ रहा है। अगर ये प्रॉब्लम कॉमन है या क्या है, अगर किसी और को भी अगर ये फील हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या अल्टरनेटिव पुली चेंज कराने के बाद और ECU फ्लैशिंग के बाद ये दो चीज़ें हुई, तो उसके बाद क्या इंजन नॉइज़ में कुछ इम्प्रूव है, इंजन नॉइज़ कम हुआ है किसी का या ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेरे में तो लग रहा है कि मुझे ज़्यादा है लग रहा है। क्या ये मेरी कन्फ्यूजन है या फिर रियल में हो रहा है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आपका कमेंट मुझे बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पता चलेगा कि गाड़ी के बारे में मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, रियल है या मुझे क्यों फील हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम किसी और को फेस हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड।